गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा श्री गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको दैनिक पंचांग, राशि परिचय, राशि फल एवं खास उपाय की जानकारी देंगे। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 17 दिसंबर रविवार 2023, श्री सुख संवत 2080, शक संवत 1945, अगहन महीना, उजाला पार, पंचमी तिथि। सूर्य धनु राशि में, चंद्रमा मकर राशि में। आज प्रातः धनिष्ठा नक्षत्र 6:37 तक रहेगा। इसके बाद सद्भिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। दिशा सूर्य पश्चिम दिशा परिहार पान। कहने का मतलब ये है, आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ है, और अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो आप क्या करें। अगर पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए अति आवश्यक है तो आप पश्चिम की दिशा यात्रा करने से पहले पान खाकर यात्रा आरंभ करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक, कुलिक काल दिन में 3 बजे से 6 बजे तक, यमगंड काल दिन में 12 बजे से 1:30 बजे। किसी भी शुभ काम की शुरुआत अथवा यात्रा का आरंभ राहु काल में न करें। क्यों? जो भी शुभ काम या यात्रा का आरंभ राहु काल में किया जाता है तो कदम कदम पर दिक्कत और परेशानी उठाना पड़ता है, और अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप कोई शुभ काम करना चाहते हैं या यात्रा का आरंभ करना चाहते हैं, ये दोनों ही काम अगर आप गुणी काल में आरंभ करते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। आज शाम 7:25 से पाचक लग चुका है, और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से पाचक एक बहुत ही अशुभ समय है, और शास्त्रों की मान्यता है इस समय पे 5 कामों को करना बहुत ही अशुभ होता है। अब हम उस 5 कामों की चर्चा कर रहे हैं आपको आपके आगे। पहली चीज, चारपाई बनवाना। पाचक के समय चारपाई बनवाना अशुभ माना जाता है। दूसरी चीज, जलाने के लिए लकड़ी घास आदि इकट्ठा करना भी पाचक में नहीं चाहिए। तीसरी चीज, जहाँ तक हो सके दक्षिण दिशा की यात्रा भी पाचक के समय वर्जित है, यानी अवॉइड करना चाहिए। चौथी चीज, घर की छत बनवाना ये पाचक में अशुभ माना जाता है। पाचक में घर की छत नहीं बनवाना चाहिए। और आखिरी और पांचवी चीज है, पाचक के समय अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने पर उसका दाह संस्कार करना भी अशुभ माना जाता है। और समाज में ये मान्यता है कि पाचक के समय मरने वाले के परिवार या सगे संबंधियों में 5 लोगों की मृत्यु होती है। तो ये इन कारणों से पाचक के समय कोई भी ये 5 काम नहीं किए जाते। अब हम आपको राशि परिचय के विषय में जानकारी दे रहे हैं। अपने नाम के प्रथम अक्षर से राशि ज्ञात करें, लेकिन कुछ अक्षर 2 अक्षरों से मिलकर बनते हैं तो इनसे आपको परेशान होने जरूरत नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, जैसे हम आपको रास्ता बता रहे हैं, जैसे कि प्रा
और प्रा से भी बहुत लोगों के नाम हुआ करते, जैसे प्रांजुल है, प्रवीण कुमार है, तो प्रा से आप परेशान न होइए। प्रा को आप पास देखें, कहने का तात्पर्य प्रा को आप कन्या राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर त्रा होता, और त्रा से बहुत लोगों को नाम हुआ करते हैं, जैसे त्रियुगी है, त्रिवेणी है, तो त्रा से आप चिंता मत करें, त्रा को आप ता से देखें, कहने का मतलब त्रा को आप तुला राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर ज्ञा होता, तब आप क्या करेंगे, ज्ञा को आप गा से देखें, कहने का अर्थ यह है ज्ञा को आप मकर राशि में देखें। इसी तरीके से दो अक्षर से मिलकर बनने वाला अक्षर स्रा होता है, और स्रा से भी समाज में बहुत लोग के नाम है, जैसे श्रवण कुमार है, श्री राम है, ऐसे बहुत सारे नाम है। तो स्रा से आप टेंशन मत लीजिएगा, क्यों, हम आपको बहुत ही सटीक रास्ता बता रहे हैं। स्रा को आप स्रा से देखिएगा, यानी कुंभ राशि से देखिएगा। अब हम आपको राशि फल के विषय में जानकारी दे रहे हैं। एरीज यानी मेष राशि, मेष लग राशि के जातकों आज मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ भी मिलेगा, पिता का सुख आपको प्राप्त होगा, सरकारी काम में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, माता का भी सुख आपको मिलेगा, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में भी आपको कामयाबी मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं, मन प्रसन्न रहेगा। विशेष उपाय, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू चढ़ाएं। टोरस यानी वृषभ राशि, वृषभ लग्न राशि के जातकों आज भाग्य प्रबल है, धार्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, माता से भी आपको लाभ होगा। विशेष उपाय, माँ लक्ष्मी का की सेवा करें। जेमिनी यानी मिथुन राशि, मिथुन लग्न राशि के जातकों आज परिवार में कुछ मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे, धन हानि भी होगी, चिंता बढ़ेगी। विशेष उपाय, गाय को हरा चारा खिलाएं। कैंसर यानी कर्क राशि, कर्क लग्न राशि के जातकों आज पति या पत्नी को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन खुश रहेगा, रोजगार मंदा रहेगा। विशेष उपाय, शिव जी पर दूध और मिश्री मिलाकर जल चढ़ाएं। लियो यानी सिंह राशि, सिंह लग्न राशि के जातकों आज आप सावधान रहिएगा, स्वास्थ्य के प्रति दिमागी उलझन बढ़ने के योग दिखाई दे रहे हैं, धन फिजूल खर्चा होगा, परंतु बाहरी स्थान से मदद मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, गुड़ का दान करें। वर्गो यानी कन्या राशि, कन्या लग्न राशि के जातकों आज संतान से मतभेद होने के योग दिखाई दे रहे हैं, दिमाग में टेंशन बढ़ेगी, धन का लाभ होगा, बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होगा। विशेष उपाय, घर में लगे हुए पेड़ पौधों में पानी डालें यानी सिंचाई करें। लिब्रा यानी तुला राशि, तुला लग्न राशि के जातकों आज माता को कष्ट होने के योग दिखाई दे रहे हैं, जमीन जायदाद संबंधी मामलों में बाधा आएगी, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा, सरकारी काम में सफलता मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं, पिता का सहयोग प्राप्त होगा। विशेष उपाय, सफेद गाय को मखाने की खीर खिलाएं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न राशि के जातकों आज
कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, सफलता तभी आपको मिलेगी, धार्मिक कामों में मन लगेगा, भाग्य प्रबल है, यश प्राप्त होने की योग दिखाई दे रहे हैं। विशेष उपाय, हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाएं। सजिटेरियस यानी धनु राशि, धनु लग्न राशि के जातकों, आज परिवार में मतभेद होने की योग दिख रहे हैं। आयु की वृद्धि होगी, पुरुषों की शक्ति का लाभ मिलेगा। विशेष उपाय, विष्णु जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं। कैपिकार्न यानी मकर राशि, मकर लग्न राशि के जातकों, आज स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें, मन कुछ खिन्न रहेगा, रोजगार में लाभ होगा, पति पत्नी में आपस में प्रेम रहेगा, गृहस्थ सुख आपको मिलेगा। विशेष उपाय, काले कुत्ते को सरसों का तेल चुपड़कर रोटी खिलाएं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, कुंभ लग्न राशि के जातकों, आज फिजूल में धन बर्बाद होगा, बाहरी संबंधों से आप सावधान रहिएगा, चिंता बढ़ेगी, दुश्मन आप पर हावी होने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। विशेष उपाय, शनि देव के मंदिर में जाकर कड़ुए तेल का दीपक जलाएं। पाइसिस मीन राशि, मीन लग्न राशि के जातकों, आज आपको बहुत मामूली धन का लाभ होगा, बड़े भाई से मतभेद होने के दिख रहे हैं, संतान से आपको सुख प्राप्त होगा, छात्रों को मेहनत करने से सफलता मिलेगी। विशेष उपाय, लाल गाय को पके केले खिला। अपनी राशि को लग्न से देखें, क्यों? अगर आप अपनी राशिफल में अधिक सटीकता चाहते हैं तो अपनी राशिफल को लग्न से देखें, और अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तब अगर आपको अपनी लग्न नहीं मालूम है तो हम यानी कल 13 दिसंबर को, यानी कहने मतलब ये, हर बुधवार को हम जो है शाम को 8 बजे से 8:30 बजे तक लाइव पर आते हैं, और आप हमसे जुड़ के निःशुल्क अपनी लग्न की जानकारी कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना न भूलें। हमारे इन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। ये हमारे सारे पॉपुलर वीडियोज हैं। जय माता दी।